वाले 30x60 मतलब 200 गज में ये पूरा प्लॉट मैंने बनाया है। बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पर आपको मॉडल देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने केवल प्लास्टर करके ही छोड़ दिया है, यहाँ पर मैंने कलर वगैरह नहीं किया है। तो प्लास्टर के बाद आपका मकान ऐसा दिखने वाला है जो मैंने टेक्सचर दिया है। और इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे, पूरा 200 गज में विद कार पार्किंग और पार्किंग के साथ पूरा ये मकान डिजाइन है प्रॉपर तरीके से। इसमें सिंगल और फर्स्ट मतलब कि डबल स्टोरी हाउस प्लान है यहाँ पर। और थर्ड स्टोरी की बात करें तो वहाँ पर मैंने केवल पिलर बनाकर छोड़ दिए हैं और यहाँ पर ये स्टेयर्स का गुमटी बनाकर छोड़ दिया है। तो ओवरऑल ये पूरा 30x60 फीट में मतलब कि 1800 स्क्वायर फीट या 200 गज में लगभग ये घर बना हुआ है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। बनेश बुडम लगातार, मैं हूं कौन छाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। आज का जो मॉडल है उसे आज डिस्कस करने से पहले मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, जिससे आपको इसका टेक्सचर समझ में आए, इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आए, मैंने क्या क्रिएट किया है। और यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से वॉल क्रिएट होने के बाद प्लास्टर का टेक्सचर दिया है। जब प्लास्टर हो जाता है तब आपका ऐसा मकान देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो ये आपका एक ग्राउंड फ्लोर है और जिसमें प्रॉपर तरीके से देखिए फ्रंट एलिवेशन आप देख ली। यहाँ पर दो पिलर हैं जो मेन डोर होगा, यहाँ पर कार पार्किंग कर पाएंगे। आप इसे क्लोज करना अगर चाहते हैं तो आप इसे मेन डोर लगवा सकते हैं। इसके बाद आगे आपको मैंने एक ग्राउंड एरिया टाइप का पार्किंग टाइप का दिया, इसलिए मैंने यहाँ जाली टाइप की लगा रखी है। और आप इसके बाद ये पूरा देखिएगा डिजाइन आपका घर का होने वाला है, ये प्रॉपर तरीके से पूरा मॉडल। तो सबसे पहले आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो आपको ये लगभग 25 फुट एरिया से ज़्यादा एरिया आपको देखने को मिलता है। ये मैंने यहाँ से इस पिलर से लेकर इस वॉल तक 25 फुट एरिया उसी में स्टेयर से डिजाइन किया है और उसी के नीचे कार पार्किंग एरिया आपका रहेगा। साइड में इधर आपका गार्डन के लिए मैंने स्पेस छोड़ा है, जहाँ पर बाइक खड़ा है गार्डन वगैरह आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ये पूरा ओवरऑल मकान आप डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस बेडरूम की, तो ये आपके गेस्ट रूम है और इस गेस्ट रूम में आपको देखिएगा फ्रंट से मैंने विंडो दिया है, साइड से विंडो और डोर दे रखा है जहाँ पर आप एंट्री करेंगे इस गेस्ट रूम में। इसके बाद मेन डोर आपका ये है, यहाँ से मकान में आप एंट्री होगी। इसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं, इस मेन रोड से आप एंट्री करते हैं तो आप एक लिविंग हॉल में आ जाते हैं, आंगन में आ जाते हैं। अब इस आंगन से आपकी हर जगह एंट्री होने वाली है। तो सबसे पहले ही फ्रंट में आपको एक किचन एरिया मिल जाता है, जो मैंने बाहर से विंडो दिया था ये, और अंदर से इसका डोर है। तो ये आपका किचन है मकान में। इसके बाद इस वाले आंगन से मैं पहले पीछे वाला डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये देखिए आप दोनों साइड में बेडरूम मिलते हैं, बीच में गैलरी है और सबसे पीछे एक आपको ओपन स्पेस मिलता है। और ये एक लेटेंट बाथ इधर, एक लेटेंट बाथ इधर इस कॉर्नर पर। पीछे लगभग 8 से 9 फट में एरिया पूरा कवर्ड है, इसमें दो लेटेंट बाथ, बीच में स्पेस मिल जाता है आपका। आप कुछ भी बेसिन वगैरह कुछ भी लगवा सकते हैं। और इसके दो बेडरूम मिलते हैं और इसी में आपको एक जाल रखवाना होगा, जैसे छत से प्रॉपर वेंटिलेशन हो और मैंने इसलिए विंडो वगैरह दे रखा है। तो ये दोनों बेडरूम हो गए। इसके बाद एक ये बेडरूम है और इस बेडरूम में आंगन से आप होते हुए आएंगे। इसके बाद इसी बेडरूम से अटैच ये आपका पूजा घर है और इसी पूजा घर से आते हुए आप आगे वाले बेडरूम में आप आएंगे। तो आपको यहाँ अगर बात करें बेडरूम्स को, तो 4 बेडरूम्स मिलते हैं, लेटेंट बाथ एक ये आपको और मिलता है। ये लेटेंट बाथ आंगन से अटैच्ड है, आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो 3 लेटेंट बाथ, 4 बेडरूम, 1 किचन और इसके बाद ये प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन के लिए एरिया, ये आंगन और ये आपका कार पार्किंग का एरिया जो आप आगे देख पा रहे होंगे। तो ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से आप घर को देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने डिजाइन किया है बेहतरीन सा मॉडल। और यहाँ पर प्लास्टर के बाद आपका ये पूरा डिजाइन हो जाता है। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गई। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर मैंने ये क्रिएट किया है बिल्कुल सिमिलर मॉडल, जो नीचे था बिल्कुल सिमिलर वही, चारों बेडरूम, किचन, लेटेंट बाथ, पूजा घर, पीछे का वेंटिलेटर, सारी डिज़ाइन वही है। सिर्फ आगे का जो कार पार्किंग था उसे मैंने बालकनी कन्वर्ट कर दिया है और स्टेयर्स भी आपकी वही रहेगी और सारी चीज़ें आपकी सिमिलर ही रहेंगी जैसा कि नीचे बना हुआ था। तो ये तो पूरा डिज़ाइन ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर हो गया। और यहाँ पर आप और देख लें, जो टेक्सचर मैंने इस्तेमाल किया है वो आपका प्रॉपर तरीके से ये देखिएगा आप प्रॉपर तरीके से देख पाते हैं। अब लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर मैंने चारों तरफ जो भी आपके पिलर्स थे वो सारे खड़े कर दिए हैं आसपास वाले, और एक गुमटी बना दी है स्टेयर्स को ढकने के लिए। तो ओवरऑल ये 200 गज में घर का डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाता है। ये मकान का जो
डिज़ाइन है वो आपको बेहतरीन से मिलता है, और आप कलर वगैरह करवाएंगे तो आपका घर और बेहतरीन लगने वाला है। तो ये पूरा मॉडल कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।